नमस्कार। तो इस समय आप ये खबर का दूसरा भाग देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर अभी भी जाम की पूरी स्थिति है। यूनियन एक मिनट जी, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ, आगे फिर साथ दे देंगे वो एक पासे से। तो आप देख सकते हैं कि आर्मी के जो जवान हैं वो फिलहाल अपील कर रहे हैं किसानों से कि हमारे वाहन कम से कम जाने दिए जाएं, क्योंकि उन्हें भी इस समय काफी दिक्कत आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान है उन्होंने ये कहा है कि जो सेना की गाड़ियां हैं उन्हें हम जाने देंगे। अब जाने देते हैं या नहीं वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल कह तो यहाँ पर दिया है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि मुस्तैद नज़र आ रही है और सड़कों पर आ चुकी है, तो इसका मतलब अब कुछ गड़बड़ की संभावना लगाई जा सकती है। और किस तरह से किसान सड़कों पर हैं, पुलिस सड़कों पर है, प्रशासन सड़कों पर है, लेकिन फिलहाल किसानों की जो बात है कहीं पर भी सुनी नहीं जा रही, ऐसा फिलहाल दिखाई रहा है। भारतीय किसान यूनियन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जी, हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने रैली में जाना चाह रहे थे, प्रशासन ने हमारे साथ बहुत धक्का किया, लाठी चार्ज किया, पर हम किसान भाइयों ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। बहुत जितने मर्जी हेलमेट लेके आ जाओ, जब भी कहीं भी खंडा खड़काने की जरूरत पड़ती है चीन तक सरदार जी जाते हैं। और भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, हम खंडा खड़काने के पीछे नहीं हटके, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। हमारी जी कोई मांग नहीं सुनी जा रही, हमें यहाँ पे पानी की बूंद भी नहीं पिलाई जा रही, एक बूंद भी झूठा स्वास्थ्य दिया जा रहा है। देखिएगा, आज किसान बुरी तरह से दुखी है, और जब जब किसान के साथ बंगा लिया, चाहे वो बंसीलाल रहा हो, चाहे वो चौटाला रहा हो, कंडेला कांड किसानों ने किया था सबको याद है, और उस चौटाला आज उसकी सजा पा रहा है, वो अब जेलों के अंदर है। और आज उसी का पोता जो कहता है कि मेरी रगों के अंदर देवीलाल का खून है, सरेआम झूठ बोलता है। देवीलाल ने किसानी से प्यार किया था, मजदूरों से प्यार किया था, और किसानों को आगे लाया था देवीलाल, पर पता नहीं कहां से इनके घर ये पैदा हो गया, मैं नहीं पता उनका है कि नहीं, ये दुष्यंत चौटाला लगातार झूठ बोलता है। आज हरियाणा का हर वर्ग, अरे किसान से जुड़ा हुआ है हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मेरा गरीब मजदूर हो, लेकिन आज ये सारे वर्ग पूरा हरियाणा दुखी है। और इस खट्टर जैसा निकम्मा मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया, मैं इस खट्टर को चेताना चाहता हूँ। चाहे इससे पहले भजनलाल मुख्यमंत्री रहा, उसने किसानों से पंगा लिया था, निशंक कांड करवाया था और हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उसके बाद बंसीलाल ने गोलियां चलवाई, उसके बाद कंडेला कांड के अंदर चौटाला ने गोलियां चलाई, और उसी बात को दोहराते हुए आज खट्टर ने हमारे किसानों के ऊपर लाठी चलाई है, किसानों के सिर फोड़े हैं। इसका जवाब खट्टर हम तेरे को जरूर देंगे, और अगर तेरे में हिम्मत है तो गोलियां चला, हम देखना चाहते हैं कि तेरी देखे। लगातार हम लोग किसान और मजदूर सड़कों पे है, एक ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो सड़कों पे नहीं है, चाहे आशा टीचरों की बात की जाए, युवा साथी या सड़कों पे है, कोई रोजगार नहीं है। जो गेहूं 2100-2200 रुपए बिकनी चाहिए थी, आज हमारी गेहूं 1400 के ऊपर नहीं बिक रही है। ये किसानों का, जिन्होंने किसानों ने 20-20 क्विंटल को गेहूं का अपने घरों में स्टोर किया था, आज हमें 500-500 का घाटा हो रहा है। ये कैसी सरकार है? हमने वोटें दी थी भी हमारे काम हो, ये नहीं कि हमारे किसानों के ऊपर लाठी है। सरकार जो बात करती है कि हम आपकी आय को 2022 तक दोगुना कर देंगे, इस पर कितना विश्वास है आपको? बिल्कुल झूठ, क्योंकि मोदी जैसा जुमले बोलने वाला एक भी प्रधानमंत्री नहीं, सरेआम झूठ बोल रहा है। कह के आया था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, अरे आज आप देख लीजिएगा, हमारे पीटीआई साथी 1983 सड़कों पे 10-10 साल की सेवा करी, हमारे कच्चे कर्मचारियों, पक्के कर्मचारियों, 80,000 कर्मचारी उसके रेलवे के निकाल दिए, अरे BSNL को बेच दिया, सड़कें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, और गरीब किसानों की बदौलत उनकी यानी कि उनके द्वारा ही ये टैक्स दे के ये बने थे। क्या हक है इस मोदी को इनको बेचने का? और हरियाणा पंजाब जो कृषि प्रधान इस देश का दिल है, जो पूरे देश का
पेट भरता है, आज इसकी नजर इनके लोगों के ऊपर टिक गई है। मोदी जी कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आप तो कह रहे हैं उन्होंने देश बेच दिया। बिल्कुल ये तो आपको भी पता है, आप बिल्कुल, आपका जो चैनल है आप देखो ये सब चीजें देख रहे हो। अरे जब ये रेलवे बेच रहा है, ये हवाई अड्डे बेच रहा, किसने बनाए थे? इसके बाप ने बनाए थे। इन किसानों की कमाई, मजदूरों ने टैक्स दिया था, कर्मचारी ने टैक्स दिया था, उनकी बदौलत ये देश बना था। इसको क्या कहा, सिर्फ जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये देश को लड़वा रहा है। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और इसका थोपा हुआ ये खट्टर, इसको राजनीति कोई अनुभव नहीं, ये हमारे पर थोप दिया, हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ना इसको किसानी का पता, ना इसको घर बार का पता। आज त्राई त्राई है मेरा कमेरा वर्ग, जो पूरे देश का ये पेट पालता था, मजदूर वर्ग इनके साथ मिलकर चलता था, सब के सब आज रो रहे हैं। मैं कहता हूँ हर वर्ग दुखी है, कर्मचारी से लेके, व्यापारी से लेके, किसान से लेके, ऐसा कोई नहीं है जो आज इस सरकार से दुखी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज आर्या, मेरा गाँव है फरल पुंडरी। हाँ जी बोलो। मैं यह बात कहना चाहूँ जी, दीन बंधु सर छोटू राम कैथल ने इन मंडियों का निर्माण करवाया था और यह आज इन मंडियों ने तोड़न लग रहे। आड़तियां का जिम्मेदार बगैर नहीं सरदार, जिम्मेदारों का आड़तियां बगैर नहीं सरदार, यह हम बात सच्चे दिल से कह रहे हैं ही सी। परमा मनियो मंजूर निया, बीमार नूनवास कर दो मारा किसाना का। बस जी, तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो किसान है वो अपनी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सभी ने अपनी अपनी बात रखी कि जो मौजूदा सरकार है उनके जितने भी वादे हैं वो कहीं ना कहीं जुमले साबित हो रहे हैं। और फिलहाल कई घंटों से नेशनल हाईवे, एशिया हाईवे पूरी तरह से जाम है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यहां पर ये है कि हज़ारों वाहनों को सड़कों पर खड़ा करने का जिम्मेवार कौन है, क्योंकि किसानों ने जाम लगाया। अगर सरकार चाहे तो इस जाम को खुलवाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो जाम है वो नहीं खुल पाया है और हज़ारों जो वाहन है फिलहाल सड़कों पर डटे हुए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। भाई जी रास्ता दीजिए, और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं, रास्ता पूरी तरह से जाम है और हजारों वाहन इस समय सड़कों पर डटे हुए हैं। एक मिनट भाई जी, दोस्त एक मिनट जी, हमारी छोटी बहन है, हम इज्जत करेंगे, कोई ये कह सकते कोई और बोलेगा नहीं, कोई और बोलेगा नहीं, और यहाँ पे 10 फुट का घेरा खाली रखेंगे। हाँ जी, खबर तो देंगे अखबार टेलीविजन में, खबर तो देंगे टेलीविजन में, लाइव तो चली, कभी चलाई टेलीविजन बता नहीं, ठीक रखना है, उसके लिए बात करना चाहती है हमारे बीच में, तो वो आए स्वागत है उनका। हाँ हाँ, देखिए देखिए 10 फुट का घेरा और यहाँ से खाली कर दीजिए रास्ता, तब वो आएंगी, वरना मेरे को उन्होंने मत देना भाई। अगर आप रास्ता खाली नहीं करते, अगर आप यहाँ खाते घेरे 10 फुट का घेरा खाली नहीं करते, राम राम जी, भैया भाई साहब से तो बात हो जाए, क्या सुनवाई हो रही है कुछ अभी? डीसी साहब कह रहे हैं, डीसी साहब आएंगे, लेकिन सुनवाई क्या होगी? सुनवाई अध्यादेश की है जी, कोई सुनवाई नहीं जी। तो फिलहाल जो डीसी हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं, उनसे बात करेंगे। डीसी महोदय जो मौके पर पहुंचेंगे वो अब बात करने के लिए किसानों से आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को दोस्तों शेयर जरूर कर दें। ये सीधी तस्वीरें करनाल से आप कुरुक्षेत्र से, माफ कीजिएगा, देख रहे हैं कुरुक्षेत्र से, ये सीधी कवरेज आप इस समय देख रहे हैं। और डीसी हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं और फिलहाल जो किसान हैं वो मौके पर डटे हुए हैं और अपनी अपनी मांगों पर फिलहाल अडिग हैं। हजारों वाहन इस समय सड़कों पर हैं, लेकिन रास्ता किसी को नहीं दिया जा रहा है। Okay.
डीसी मौके पर आने वाले हैं यहाँ पर, और डीसी क्या बातचीत करते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। रास्ता डीसी के लिए छोड़ा जा रहा है, क्या कुछ बातचीत होती है ये देखने वाली बात होगी जरूर, कि क्या डीसी के पास कोई ऐसी पावर है कि वो किसानों का जो ये आंदोलन है वो उसे खत्म करवा सकें। और डीसी मौके पर पहुंच गई हैं और सीधी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि डीसी मौके पर पहुंच गई हैं किसानों के बीच बातचीत करने के लिए। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। और एसपी महोदय भी इस समय साथ हैं, आस्था मोदी जी। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं कि किसानों से बात करने के लिए जो डीसी और एसपी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। डीसी और एसपी दोनों इस समय मौके पर पहुंच रहे हैं किसानों से बात करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने वाली है। डीसी और एसपी इस समय मौके पर पहुंच चुकी हैं। डीसी और एसपी फिलहाल मौके पर पहुंच गए हैं और किसानों के जो नेता हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ बातचीत होती है ये देखने वाली बात होगी, और क्योंकि नेशनल हाईवे पूरे तरीके से जाम है। यार मीडिया नहीं, यार मीडिया बात करके मेरे से करेंगे। लो जी आपकी तरफ पहले मेरे से कर जी जी बात कर, बाद में कर लियो कपड़े। मैडम उन्हीं को बोलिए, आप संबोधित उन्हीं को कीजिए, कोई बात नहीं। अरे ऐसे इनके मेरे से बात कर रहे हैं, फिर बात पूछ लेना। जब आप 10 मिनट के थोड़ा रुक जाओ जी, पीछे हो जाओ, पीछे 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 पीछे। देखिए हमारी विनती ये है कि हम रैली करने के लिए आए थे शांतिपूर्वक, और हमारा कोई प्रोग्राम आज का था नहीं। अब तीन शर्तें हैं हमारी, एक हमारे लोग गिरफ्तार किए हुए हैं वो छोड़ दीजिए, दूसरा जो नाके लगाए हुए हैं वो सारे नाके खोल दीजिए, बहुत लोग पीछे रुकेंगे, और तीसरा मंडी का गेट खोल दीजिए, हम वहां जाकर रैली कर लेंगे, घंटा लगाएंगे दो घंटे लगाएंगे, उसके बाद हम करके चले जाएंगे। रैली तो हो ही नहीं था। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब क्या फायदा हो गया वहां से रोकने से, वहां से रोक दी रैली तो यहाँ भी हो गई। और रैली करने की जो अनुमति है वो फिलहाल किसान मांग रहे हैं, क्या कुछ इस पर डीसी कहती है वो देखने वाली बात होगी। थोड़े गर्मी तो थोड़े यार मानने हाथ जोड़ लो मेरे वीर जड़ा लो। अच्छा जी, ये तीन मांग है अभी की तो, कि हम जहां रैली करने के लिए आए थे हमें करने दीजिए, हमें रास्ता रोकने का कोई शौक नहीं है, हमें उपद्रव करने का कोई शौक नहीं है, हम प्रशासन से सहयोग की अपील करते हैं और प्रशासन का सहयोग करेंगे भी हम। अगर आप आ जाओ रैली गेट के बाहर, गेट के बाहर मैडम जी ये बताइए, गेट के बाहर भी तो सड़क है, वो तो खड़े ही है फिर यहाँ। जेटी रोड तो खोल दो, गेट के अंदर क्या होगा, आखिर अंदर से क्यों डरते हैं, अंदर बैठने की जगह है, अंदर पानी का इंतजाम है हमारा सारा कुछ, सवेर के प्यासे आधे घंटे गसी पड़ने वाली है, यहाँ एम्बुलेंस यहाँ नहीं है, कोई गर्मी में पानी का कोई यहाँ में गिर गया मर गया तो कौन जिम्मेवार है बताइए, कोई पानी का इंतजाम वहाँ हमारा पानी का इंतजाम था। डीसी और एसपी ने जी, डीसी और एसपी फिलहाल वक्त मांग रहे हैं कि हमें वक्त दीजिए, हम आपको सोच कर बताते हैं, यानी कि अब बात सरकार से की जाएगी, डीसी के माध्यम से जो बात है वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी, और क्या कुछ किसानों की जो बात है वो सुनी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अभी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी होगा वो आपको जल्दी बताएंगे। धन्यवाद।
सर आपने अपनी मांग रखी कि हम रैली करना चाहते हैं, प्रशासन ने क्या बातचीत की, डीसी साहब ने, एसपी साहब ने क्या कहा? देखिए वो सलाह करने के लिए गए, हमने तीन मांग रखी है। एक जो हमारे गिरफ्तार किए हुए आदमी कल से गिरफ्तार कर रहे हैं, रास्ते में अभी कुछ गिरफ्तार कर लिए हैं, उनको छोड़ दें। जो बैरिकेड लगा के रोके हुए, अभी कई जगह पे लोग रुक रहे हैं, उनको बैरिकेड हटा दें। और तीसरा मंडी खोल दें, हम मंडी में जाकर रैली कर लेंगे, रैली करके अपने घर को चले जाएंगे। रैली तो यहाँ भी हो रही है। आश्वासन क्या दिया? वो कहते हैं हम सलाह करके फिर बताते हैं। आपको लग रहा है कि सरकार अनुमति देगी आपको? मेरे को लगता है कि उनको मारने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, और ये तो एक तानाशाही भी है। जब हम वहाँ पे हमारे डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम रह जाता, वहाँ पे हमारे पास सैनिटाइजर था, अब ऐसे उन्होंने रोक दिया, वहाँ पे हमारे पास पानी था, इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ एक बूंद पानी की सवेर के मिले लोगों को। क्या नाम है सर? मेरा नाम गुरनाम सिंह है और भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कुछ किसान चोटिल भी हुए हैं आज? कई किसानों के सिर में चोटें मारी हैं, मतलब उसको लाठी चार्ज में अधिकार होता है यहाँ से नीचे मारने का, लातों में मारने का, लेकिन सिर में लाठियाँ मारी हैं, गैर कानूनन है, मुकदमा दर्ज करना चाहिए उनके ऊपर। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें अकेले किसान नहीं है, इसमें 17 संगठन किसानों के हैं, आरती भाई हैं, मुनीम भाई मजदूर भाई हैं, उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा और व्यापार मंडल हरियाणा और पल्ले क्या नाम है सेलर एसोसिएशन। अरे भाई जब सब जो सारे वर्ग सर सिंह साहब, जैसे आप जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं, अब जो जवान है वो बीच में खड़े हैं कि हमारी गाड़ियां जाने दी, सेना की गाड़ी वो निकालना और जवानों की गाड़ी जो है वो निकालने की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि काफी देर से जो जवान है वो भी परेशान हो रहे हैं। और राजस्थान राइफल से ये सभी किसान सेना है, सेना की गाड़ियां निकाली जाएंगी, ये कहा जा रहा है सेना की गाड़ियां निकाली जाएंगी। सेना की गाड़ियां है, उनको ये सैनिक हमारे किसानों के बच्चे हैं, इनको जाने दे, देश की रक्षा करने वाले किसान। लाल शास्त्र ने कहा था जय जवान जय किसान, ये और हम एक ही है, इनको निकलने दे सभी भाई। देखिएगा भाई बात ऐसे है, ये देखो मंडी के बाहर बिकेगी। फिलहाल जो जवानों की गाड़ियां हैं वो निकालने के लिए कहा है, अब देखना होगा कि क्या गाड़ियां निकाली जाती हैं या नहीं। ये रेल निकले तो कोरोना छुट्टी में बिक जाए, कोरोना इनसे पूछ का हुआ है और तो पूछ का नहीं आता। अरे और सुना इनकी कारिस्तान ने ताऊ बड़े उत्साह आया इसकी भी सुन लिया लड़ेदारी पर्चा जहां भरना टिपनी तेन पर इनू पड़े पड़े नु कसिया ना खड़ा दी ना जट ना जानिया कहा धरी स्वामी नाथ रिपोर्ट लागू
लागू करूंगा प्रधान जी। अरे थरे कर्जे भी माफ करूंगा। अरे थरे बदो 15-15 लाख रुपए भी बहुत मुक्क देने थारे बस सू गलत खेती कर रही जो तुमने मैं जारी करे ना ये भी वापस करो। ये आते वापस ले ले नहीं तो होया NH1 रोड बंद फिर बड़ा छप्पन भी होगा। कोई बात नहीं खट्टर साढ़े तू मर दे चंडीगढ़ दूर नहीं है जहां बुगे कोरोना का बहाना लगा पर जा जहां थ्री टोड़े का बहाना लगा पर जा तनु जा दिन में तारे ना दिखा दिए ना जिम्मेदार ना कहियो। क्या कहा मैं कहा मक्की इन्हें सूरजमुखी पीछा मारे किसान टंकियां बचड़ा दिए उनके चढ़ाए तनु भी नहीं टंकियां बचड़ा बिना छोड़ दे हम करवा ना ठीक है नहीं तनु भी नहीं छोड़ दे टंकियां बचड़ा बिना किसानों जाग गए किसान अपना हक लेकर रहेंगे। अगर मेरा हक ना मिले तो आज तो थाने इन्हें न्यू तो कहो इन्हें डंडे मार दिए मारे पंजा का ईट दिखाई उंगली लेगा ईट दिखाई उंगली लेगा जा जा जहां पड़ा था कोरोना की आड़ में तनु मैं तो ना लेवा किसान कट का तभी क्या याद करागा भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ये पंडे लगा हम भी पर सका कर मारे बाजी नहीं लगती पर हम तो तनु चीरी लेगा भी दिखाइया और तनु पट का भी दिखावांगे अरे का फिर कणक बोवांगे बेच का भी दिखावांगे और परमात्मा ने जब सुख रखी जब मेरे किसानों का साथ मिल गया हनु 36 करोड़ रेट दोवांगे 36 करोड़ रेट चिड़ियाघर पा जाएंगे उन पर भी भी तो सरकार है दिल्ली की भी सरकार है यहाँ जो हमारे किसानों का अंतर कर रही है प्राणी भी भूखड़ी है कमेटियां बने लो अपनी अपनी अपने अपने गांव में और आज मैं मीडिया की तरफ से कहना चाहूंगा इन्हें मारे रास्ते रोके हैं मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा हम फिर भी हाथ जोड़ देंगे जब बीजेपी के किसी भी एमएलए की कांड मत ताना शांति बनाए रखे शांति बनाए रखे बात कर रहा प्रशासन सभी भाई अनुशासन में रहे देखिए अगर आप अनुशासन में रहेंगे थोड़े लोग भी बहुत बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। आप लोग बहुत अनुशासन में हैं सुबह के जबकि यहाँ खड़े हैं आपकी जीत होगी आपको जीत प्राप्त होगी। आप लोग बहुत अनुशासन के अंदर हैं अनुशासन में हैं अभी बात चल रही है एसपी साहब भी आए हैं जैसी बात होगी आपको बता दी जाएगी अनुशासन के तहत। क्या कह रहे हैं जी मंडी मंडी खोल दी मंडी आप सभी मंडी में चलो मंडी में रैली की अनुमति दे रहे हैं और जो आपने कहा था हमारे अरेस्ट हुए हुए किसान है उनको उनको भी कह रहे छोड़ देंगे छोड़ रहे हैं वहीं आएंगे सर जी वहीं आएंगे अभी इनसे ये अनाउंसमेंट कराओ जी आप हमारी मिल में भी आ जाओ एक मिनट बात सुनो मेरे सुन लो ना
एसडीएम साहब है गए। चलो मंडी चलो, मेरा अनुरोध है कि थोड़ा वहाँ पे हल्ला गुल्ला ना हो, सब शांति से बैठे, कोई शोर ना मचाए और सब अपना मास्क पहन के सब ढक ले, एटलीस्ट इतना तो कर लो। वहाँ शांतिपूर्वक जो भी आपकी मांगे थी वो मैडम ने सुनी है, ठीक है। अब यहाँ से चलिए प्लीज, हाईवे पे, ठीक है। हमने तीन मांगे रखी थी, एक के जो बंदे पकड़े उनको छोड़ दो, हाँ जी, दूसरी के जो बैरिकेड लगाए वो छोड़ दो, हटा दिए, हटा दिए बंदे, मंडी का गेट खोल दो, वहीं चल मंडी में जाकर रैली कर, हाँ जी हाँ जी, चलिए मंजूर है, हाँ जी हाँ जी, चलिए मंजूर, हाँ जी हाँ जी मंजूर है। तीनों कह रहे हैं कि मांगे मान ली हैं, अब विचार कर रहे हैं जी, अभी फैसला नहीं हुआ, विचार कर रहे हैं, हमारे प्रधान जी बोल रहे हैं, सरकार ने मान लिया तीनों मांगे। सुनो जी, आपका क्या विचार है? जिले बंद हो जाए, जिले बंद करें अपना विचार, यही है जी। आप लोग साथ दो, तीन मांगे रखी थी हमने सरकार के आगे, एक मांग रखी थी कि हमारे जो आदमी गिरफ्तार किए हैं उनको छोड़ दिया जाए, और हमने दूसरी मांग रखी थी, ये कौन से पास नहीं बंद होता पीछा, रुक जाओ एक मिनट, दूसरी मांग रखी थी कि जहां जहां भी बैरिकेड लगाए हैं वो सारे बैरिकेड हटा दिए जाए, और तीसरी मांग रखी थी कि हमने मंडी में रैली करनी है, जो है गेट बंद किया गेट खोल दिया जाए। हमारी ये तीनों मांगे मान ली गई है, हमारी ये तीनों मांगे मान ली गई है। अब हमने पहले नारे लगा रहे हैं, तीनों मांगे फिर मंडी में जाकर रैली करनी, गुरनाम सिंह हैं किसानों के, ठीक है, ये अनुशासन में रहना सबने, मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपने कहा है जो मांगे हैं वो मान ली गई है, सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को जितेंगे फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे है अब कहीं ना कहीं वो खुलने की उम्मीद बन गई है। जो किसान यूनियन है उनका कहना है कि हमारी बातों को मान लिया गया है। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दो। सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आप इस समय देख रहे हैं, किसानों की जो मांग है उसे मान लिया गया है, और अब ये सर आपकी जो तीन मांगे थी मान ली गई हैं। डीसी एसपी और एसडीएम मौके पर आए थे, उन्होंने कहा है कि रैली करने देंगे, बैरिकेड खोल देंगे, जो अरेस्ट किए गए हैं उनको भी जाने देंगे, क्या कुछ कह रहे हैं? और फाइनल हो लिया, हाँ जी अभी अनाउंस किया उन्होंने, रैली होने देंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, हम करेंगे, उधर रैली में अपने बैठ के बातचीत करेंगे, आगे आगे जो फैसला होगा निर्णय होगा वो करेंगे वहाँ बैठ के। तो आपको लगता है कि जो इतनी देर ये तीन घंटे से नेशनल हाईवे जाम है, अगर सरकार पहले निर्णय ले लेती तो ये नौबत ना आती? ये तो आवे नहीं थी नौबत, ये तो इन्होंने जानबूझ कर आई, तो सरकार की गलती की वजह से आई है नौबत। यदि सरकार ये नहीं करती तो किसानों ने अपना शांति प्रिय अपनी बात करके अब किसान निर्णय लेकर चले जाते, रास्ता खोलने के लिए तैयार है आप? तो रास्ता खोल लेंगे जो रैली करने देंगे। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्ण मराठा। कहाँ से है? करनाल से। कृष्ण मराठा हैं करनाल से, और ये देखिए किसान अब चल पड़े हैं, और जो रास्ते हैं उन्हें खोलने के लिए कह दिया है, यानी कि अब जो निर्णय है वो मान लिया गया है किसानों का, कि तीनों मांगे मान ली गई हैं, और अब देखना होगा कि बैरिकेड कितनी देर में खोले जाते हैं, क्योंकि बैरिकेड भी लगाए गए हैं, और ये किसान सभी खड़े यहाँ पर। फिलहाल सर आपकी जो मांगे हैं मान ली गई हैं, रैली अब होगी आपकी? धन्यवाद। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। बैरिकेटिंग खोली जा रही है और रास्तों को अब
खोला जाएगा, रास्ते खोले जाएंगे और अब पूरी तरह से जो नेशनल हाईवे है जो जाम था इतनी देर से वो फिलहाल खुल रहा है। एक्सक्यूज़ मी, कहाँ से हैं आप? और दिल्ली से हैं और ये आर्मी की गाड़ियाँ भी अब यहाँ से जा पाएंगी और फिलहाल जो किसान हैं उन्होंने रास्ता खोल दिया है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आप देख रहे हैं IBN 24 पर, वो देखिए गाड़ियाँ किस तरह से लटक गई हैं डिवाइडर पर और जो जवान हैं अब उनके वाहन कम से कम यहाँ से निकल पाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार, तो इस समय आप ये खबर का दूसरा भाग देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर अभी भी जाम की पूरी स्थिति है। यूनियन, एक मिनट जी, आपकी इच्छा है जाने दो तो देखना तो कर लो, तो पहले हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से निकल जाओ आगे, फिर सर दे देंगे वो एक पासे से। आप देख सकते हैं कि आर्मी के जो जवान हैं वो फिलहाल अपील कर रहे हैं किसानों से कि हमारे वाहन कम से कम जाने दिए जाएं क्योंकि उन्हें भी इस समय काफी दिक्कत आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं उन्होंने ये कहा है कि जो सेना की गाड़ियां हैं उन्हें हम जाने देंगे। अब जाने देते हैं या नहीं वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल कह तो यहां पर दिया है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। पुलिस यहां पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि मुस्तैद नज़र आ रही है और सड़कों पर आ चुकी है, तो इसका मतलब अब कुछ गड़बड़ की संभावना लगाई जा सकती है। और किस तरह से किसान सड़कों पर हैं, पुलिस सड़कों पर हैं, प्रशासन सड़कों पर है, लेकिन फिलहाल किसानों की जो बात है कहीं पर भी सुनी नहीं जा रही, ऐसा फिलहाल दिखाई रहा है। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जी, हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने रैली में जाना चाह रहे थे, प्रशासन ने हमारे साथ बहुत धक्का किया, लाठी चार्ज किया, पर हम किसान भाइयों ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। बहुत जितने मर्जी हेलमेट लेके आ जाओ, जब भी कहीं भी खंडा खड़काने की जरूरत पड़ती है चीन तक सरदार जी जाते हैं और भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हम खंडा खड़काने के पीछे नहीं हटेंगे, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। हमारी जी कोई मांग नहीं सुनी जा रही, हमें यहाँ पे पानी की बूंद भी नहीं पिलाई जा रही, एक बूंद भी झूठा स्वास्थ्य दिया जा रहा है। देखिएगा, आज किसान बुरी तरह से दुखी है और जब जब किसान के साथ बंगालिया, चाहे वो बंसीलाल रहा हो, चाहे वो चौटाला रहा हो, कंडेला कांड किसानों ने किया था सबको याद है, और उस चौटाला आज उसकी सजा पा रहा है, वो अब जेलों के अंदर है। और आज उसी का पोता जो कहता कि मेरी रगों के अंदर देवीलाल का खून है, सरेआम झूठ बोलता है। देवीलाल ने किसानी से प्यार किया था, मजदूरों से प्यार किया था और किसानों को आगे लाया था देवीलाल, पर पता नहीं कहां से इनके घर ये पैदा हो गया, मैं नहीं पता उनका है कि नहीं, ये दुष्यंत चौटाला लगातार झूठ बोलता है। आज हरियाणा का हर वर्ग, अरे किसान से जुड़ा हुआ है हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मेरा गरीब मजदूर हो, लेकिन आज ये सारे वर्ग पूरा हरियाणा दुखी है और इस खट्टर जैसा निकम्मा मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया। मैं इस खट्टर को चेताना चाहता हूँ, चाहे इससे पहले भजनलाल मुख्यमंत्री रहा, उसने किसानों से पंगा लिया था, निशंकांड करवाया था और हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उसके बाद बंसीलाल ने गोलियां चलवाई, उसके बाद कंडेला कांड के अंदर चौटाला ने गोलियां चलाई और उसी बात को दोहराते हुए आज खट्टर ने हमारे किसानों के ऊपर लाठी चलाई है, किसानों के सिर फोड़े हैं। इसका जवाब खट्टर हम तेरे को जरूर देंगे और अगर तेरे में हिम्मत है तो गोलियां चला, हम देखना चाहते हैं कि तेरी देखे। लगातार हम लोग किसान और मजदूर सड़कों पे है, एक ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो सड़कों पे नहीं है, चाहे आशा टीचरों की बात की जाए, युवा साथी या सड़कों पे है, कोई रोजगार नहीं है। जो गेहूं 2100-2200 रुपए बिकनी चाहिए थी, आज हमारी गेहूं
1400 से ऊपर नहीं बिक रही है। ये किसानों का, जिन्होंने किसानों ने 20-20 क्विंटल को गेहूं का अपने घरों में स्टोर किया था, आज हमें 500-500 का घाटा हो रहा है। ये कैसी सरकार है? हमने वोटें दी थी भी हमारे काम हो, ये नहीं कि हमारे किसानों के ऊपर लाठी है। सरकार जो बात करती है कि हम आपकी आय को 2022 तक दोगुना कर देंगे, इस पर कितना विश्वास है आपको? बिल्कुल झूठ, क्योंकि मोदी जैसा जुमले बोलने वाला एक भी प्रधानमंत्री नहीं। सरेआम झूठ बोल रहा है, कह के आया था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। अरे आज आप देख लीजिएगा, हमारे पीटीआई साथी 1983 सड़कों पे 10-10 साल की सेवा करी, हमारे कच्चे कर्मचारियों पक्के कर्मचारियों 80,000 कर्मचारी उसके रेलवे के निकाल दिए, अरे BSNL को बेच दिया, सड़कें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, और गरीब किसानों की बदौलत उनकी यानी कि उनके द्वारा ही ये टैक्स दे दे के ये बने थे। क्या हक है इस मोदी को इनको बेचने का? और हरियाणा पंजाब जो कृषि प्रधान इस देश का दिल है, जो पूरे देश का पेट भरता है, आज इसकी नजर इनके लोगों के ऊपर टिक गई है। मोदी जी कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आप तो कह रहे हैं उन्होंने देश बेच दिया। बिल्कुल ये तो आपको भी पता है, आप बिल्कुल, आपका जो चैनल है आप देखो ये सब चीजें देख रहे हो। अरे जब ये रेलवे बेच रहा है, ये हवाई अड्डे बेच रहा, किसने बनाए थे? इसके बाप ने बनाए थे। इन किसानों की कमाई, मजदूरों ने टैक्स दिया था, कर्मचारी ने टैक्स दिया था, उनकी बदौलत ये देश बना था। इसको क्या कहा? सिर्फ जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये देश को लड़वा रहा है। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और इसका थोपा हुआ ये खट्टर, इसको राजनीति कोई अनुभव नहीं, ये हमारे पर थोप दिया, हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ना इसको किसानी का पता, ना इसको घर बार का पता। आज त्राई त्राई है मेरा कमेरा वर्ग, जो पूरे देश का ये पेट पालता था, मजदूर वर्ग इनके साथ मिलकर चलता था, सब के सब आज रो रहे हैं। मैं कहता हूँ हर वर्ग दुखी है, कर्मचारी से लेके व्यापारी से लेके किसान से लेके, ऐसा कोई नहीं है जो आज इस सरकार से दुखी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज आर्या, मेरा गाँव है फरल पुंडरी। हाँ जी बोलो। मैं यह बात कहना चाहूँ जी, दीन बंधु सर छोटू राम कैथल ने इन मंडियों का निर्माण करवाया था, और यह आज इन मंडियों ने तोड़न लग रहे। आड़तियां का जिम्मेदार बगैर नहीं सरदा, और जिम्मेदार का आड़तियां बगैर नहीं सरदा, यह हम बात सच्चे दिल से कह रहे हैं। ही सी परमा मनियो मंजूर निया, बीमार नाश कर दो हमारा किसाना का। बस जी, तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो किसान है वो अपनी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सभी ने अपनी अपनी बात रखी कि जो मौजूदा सरकार है उनके जितने भी वादे हैं वो कहीं ना कहीं जुमले साबित हो रहे हैं। और फिलहाल कई घंटों से नेशनल हाईवे, एशिया हाईवे पूरी तरह से जाम है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यहां पर ये है कि हजारों वाहनों को सड़कों पर खड़ा करने का जिम्मेवार कौन है, क्योंकि किसानों ने जाम लगाया। अगर सरकार चाहे तो इस जाम को खुलवाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो जाम है वो नहीं खुल पाया है, और हजारों जो वाहन है फिलहाल सड़कों पर डटे हुए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। भाई जी रास्ता दीजिए, और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं, रास्ता पूरी तरह से जाम है, और हजारों वाहन इस समय सड़कों पर डटे हुए हैं। हमारी छोटी बहन है हम इज्जत करेंगे। कोई ये कह सकते, कोई और बोलेगा नहीं, और यहाँ पे 10 फुट का घेरा खाली रखेंगे। हाँ जी, खबर तो देंगे अखबार टेलीविजन में, खबर तो देंगे टेलीविजन में, लाइव तो चली, कभी चलाई टेलीविजन पता नहीं, ठीक रखना है उसके लिए बात करना चाहती है हमारे बीच में, तो वो आए स्वागत है। हाँ, देखिए 10 फुट का घेरा और यहाँ से खाली कर दीजिए रास्ता, तब वो आएंगी, वरना मेरे को उन्होंने मत देना भाई। अगर आप रास्ता खाली नहीं करते, अगर आप यहाँ खाते घेरे 10 फुट का घेरा खाली नहीं करते, राम राम जी, भैया
भाई साहब से तो बात हो रही है, क्या सुनवाई हो रही है कुछ? अभी डीसी साहब कर रहे हैं, डीसी साहब आएंगे, लेकिन सुनवाई क्या होगी? सुनवाई अध्यादेश की है जी, कोई सुनवाई नहीं जी। तो फिलहाल जो डीसी हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं, उनसे बात करेंगे। डीसी महोदय जो मौके पर पहुंचेंगे वो अब बात करने के लिए किसानों से आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को दोस्तों शेयर जरूर कर दें। ये सीधी तस्वीरें करनाल से आप कुरुक्षेत्र से माफ कीजिएगा देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र से ये सीधी कवरेज आप इस समय देख रहे हैं। और डीसी हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं, और फिलहाल जो किसान हैं वो मौके पर डटे हुए हैं और अपनी अपनी मांगों पर फिलहाल अडिग हैं। हजारों वाहन इस समय सड़कों पर हैं, लेकिन रास्ता किसी को नहीं दिया जा रहा है। डीसी मौके पर आने वाले हैं यहाँ पर, और डीसी क्या बातचीत करते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को देखने वाले, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। रास्ता डीसी के लिए छोड़ा जा रहा है, क्या कुछ बातचीत होती है ये देखने वाली बात होगी जरूर, कि क्या डीसी के पास कोई ऐसी पावर है कि वो किसानों का जो ये आंदोलन है वो उसे खत्म करवा सकें। और डीसी मौके पर पहुंच गई हैं, सीधी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि डीसी मौके पर पहुंच गई हैं किसानों के बीच बातचीत करने के लिए। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। और एसपी महोदय भी इस समय साथ हैं, आस्था मोदी जी। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं कि किसानों से बात करने के लिए जो डीसी और एसपी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को देखने वाले, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। डीसी और एसपी दोनों इस समय मौके पर पहुंच रहे हैं किसानों से बात करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने वाली है। डीसी और एसपी इस समय मौके पर पहुंच चुकी हैं। डीसी और एसपी फिलहाल मौके पर पहुंच गए हैं और किसानों के जो नेता हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ बातचीत होती है ये देखने वाली बात होगी, और क्योंकि नेशनल हाईवे पूरे तरीके से जाम है। यार मीडिया नहीं, यार मीडिया में बात करेंगे, मेरे से करेंगे। लो जी, आपकी तरफ पहले मेरे से कर जी जी बात कर, बाद में कर लियो कपड़े। मैडम उन्हीं को बोलिए, आप संबोधित उन्हीं को कीजिए, कोई बात नहीं। अरे ऐसे इनके मेरे से बात कर रहे हैं, फिर बात पूछ लेना जो आप 10 मिनट के थोड़ा रुक जाओ जी, पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा पीछे पीछे पीछे। देखिए हमारी विनती ये है कि हम रैली करने के लिए आए थे शांतिपूर्वक, और हमारा कोई प्रोग्राम आज का था नहीं। अब तीन शर्तें हैं हमारी, एक हमारे लोग गिरफ्तार किए हुए हैं वो छोड़ दीजिए, दूसरा जो नाके लगाए हुए हैं वो सारे नाके खोल दीजिए, बहुत लोग पीछे रुके हुए, और तीसरा मंडी का गेट खोल दीजिए, हम वहां जाके रैली कर लेंगे, घंटा लगाएंगे, दो घंटे लगाएंगे, उसके बाद हम करके चले जाएंगे। रैली तो हो ही नहीं था। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब क्या फायदा हो गया वहां से रोकने से, वहां से रोक दी रैली तो यहाँ भी हो गई। एक मिनट और रैली करने की जो अनुमति है वो फिलहाल किसान मांग रहे हैं, क्या कुछ इस पर डीसी कहती हैं वो देखने वाली बात होगी। थोड़ा गर्मी तो थोड़ा यार, मानने हाथ जोड़ लो मेरे वीर जड़ा लो। अच्छा जी, ये तीन मांग है अभी की, तो कि हम जहां रैली करने के लिए आए थे हमें करने दीजिए, हमें रास्ता रोकने का कोई शौक नहीं है, हमें उपद्रव करने का कोई शौक नहीं है, हम प्रशासन से सहयोग की अपील करते हैं और प्रशासन का सहयोग करेंगे भी हम। अगर आप आ जाओ रैली गेट के बाहर मैडम जी ये बताइए, गेट के बाहर भी तो सड़क है, वो तो खड़ी ही है फिर यहाँ नहीं, जेटी
रोड तो खोल दो। गेट के अंदर क्या होगा, आखिर अंदर से क्यों डरते हैं? अंदर बैठने की जगह है, अंदर पानी का इंतजाम है हमारा सारा कुछ। सवेर के प्यासे आधे घंटे गसी पड़ने वाली है, यहाँ एम्बुलेंस यहाँ नहीं है, कोई गर्मी में पानी का कोई यहाँ में गिर गया मर गया तो कौन जी मारा बताइए, कोई पानी का इंतजाम, वहाँ हमारा पानी का इंतजाम था। डीसी और एसपी ने जी, डीसी और एसपी फिलहाल वक्त मांग रहे हैं कि हमें वक्त दीजिए, हम आपको सोच कर बताते हैं, यानी कि अब बात सरकार से की जाएगी, डीसी के माध्यम से जो बात है वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी और क्या कुछ किसानों की जो बात है वो सुनी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आप सभी लोगों से अपील, जो भी होगा वो आपको जल्दी बताएंगे। धन्यवाद। सर आपने अपनी मांग रखी कि हम रैली करना चाहते हैं, प्रशासन ने क्या बातचीत की, डीसी साहब ने एसपी साहब ने क्या कहा? देखिए वो सलाह करने के लिए गए, हमने तीन मांग रखी है, एक जो हमारे गिरफ्तार किए हुए आदमी कल से गिरफ्तार कर रहे हैं, रास्ते में भी कुछ गिरफ्तार कर लिए हैं, उनको छोड़ दें, जो बैरिकेड लगा के रोके हुए अभी कई जगह पे लोग रुक रहे हैं उनको बैरिकेड हटा दें, और तीसरा मंडी खोल दें, हम मंडी में जाकर रैली कर लेंगे, रैली करके अपने घर को चले जाएंगे। क्या रैली तो यहाँ भी हो रही है, आश्वासन क्या दिया? वो कहते हैं हम सलाह करके फिर बताते हैं। आपको लग रहा है कि सरकार अनुमति देगी आपको? मेरे को लगता है कि उनको मारने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, और ये तो एक तानाशाही भी है, जब हम वहाँ पे हमारे डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम रह जाता, वहाँ पे हमारे पास सैनिटाइजर था, अब ऐसे उन्होंने रोक दिया, वहाँ पे हमारे पास पानी था, इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ एक बूंद पानी की सवेरे के मिले लोगों को। क्या नाम है सर? मेरा नाम गुरनाम सिंह है और भारतीय किसान इनका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कुछ किसान चोटिल भी हुए हैं आज? कई किसानों के सिर में चोटें मारी हैं, मतलब उसको लाठीचार्ज में अधिकार होता है यहाँ से नीचे मारने का, लातों में मारने का, लेकिन सिर में लाठियाँ मारी हैं, गैर कानूनन है, मुकदमा दर्ज करना चाहिए उनके ऊपर। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें अकेले किसान नहीं है, इसमें 17 संगठन किसानों के हैं, आरती भाई हैं, मुनीम भाई मजदूर भाई हैं, उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा और व्यापार मंडल हरियाणा और पल्ले क्या नाम है सेलर एसोसिएशन, अरे भाई जब सब जो सारे वर्ग। सर सिंह साहब, जैसे आप जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं, अब जो जवान है वो बीच में खड़े हैं कि हमारी गाड़ियां जाने दी, सेना की गाड़ी वो निकालना और जवानों की गाड़ी जो है वो निकालने की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि काफी देर से जो जवान है वो भी परेशान हो रहे हैं, और राजस्थान राइफल से ये सभी किसान सेना है, सेना की गाड़ियां निकाली जाएंगी ये कहा जा रहा है, सेना की गाड़ियां निकाली जाएंगी, सेना की गाड़ी निकल रहे थे, सेना की गाड़ियां हैं, उनको ये सैनिक हमारे किसान लोग के बच्चे हैं, इनको जाने दे, देश की रक्षा करने वाले किसान। लाल शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, ये और हम एक ही है, इनको निकल लेते सभी भाई। देखिएगा भाई बात ऐसे है, ये देखो मंडी के बाहर बिकेगी। फिलहाल जो जवानों की गाड़ियां हैं वो निकालने के लिए कहा है, अब देखना होगा कि क्या गाड़ियां निकाली जाती हैं या नहीं। ये रेल निकले तो कोरोना छुट्टी में बिक जाए, कोरोना इनसे पूछता है और तो पूछता नहीं आता, अरे और सुनो इनकी कारिस्तान ने ताऊ बड़े उत्साह आया इसकी भी सुन लिया, कहाँ घट रहे लड़ेदारी पर्चा जहां भरना इवनी तेन बख्श दे इनू पड़े पड़े नु गसिया ना खड़ा दी ना जट ना जानियां चंडीगढ़ तक जानी चाहिए, चंडीगढ़ तक चंडीगढ़ को हम 25 तरीक नु पहुंचा देंगे, घबरावा ना 25 तरीक नु फिर चंडीगढ़ के अंदर रैली है पंजाब की।
क्या कहा था? दीदी नहीं लान दिंदा। तेरे भरोइए ने चीड़ी मिलाई। अब तेरा फुटा बटेंगे अभी। अगर इसी तरह किसान जाग गया फिर 1900 नहीं बेचनी, 3600 बेचेंगे। 3600 कह देंगे तेनू किस तरह बोला था स्टेजा पर चढ़ चढ़ का। कहा धरी स्वामीनाथ रिपोर्ट लागू, हरी स्वामी नाथ रिपोर्ट लागू करूंगा प्रधान जी, और थारे कर्जे भी माफ करूंगा, और थारे पास 15 लाख रुपए भी बहुत मुक्त देने थारे पास थानू गल उड़ा के कर लगी इना पकड़ ले तो क्या कहा था स्वामी नाथ रिपोर्ट वो भी लेकर दिखावांगे तन्नू स्वामीनाथ भी लेगा दिखावांगे तेरे बदले कर्जे भी माफ करावांगे। और जो तन्ने ने अत्याचार जारी करे ना ये भी वापस करो, या तो वापस ले ले नहीं तो होया NH1 रोड बंद फिर बड़ा छप्पनड़ा भी होगा। कोई बात नहीं खट्टर साड़ है तो मर दे चंडीगढ़ दूर नहीं है चाह बुगे कोरोना का बहाना लगा पड़ जा चाह छवी ढोड़े का बहाना लगा पड़ जा पर तन्नू तन्नू जब दिन में तारे ना दिखा दिए ना जिम्मेदार ना कहियो क्या कहा मैं कहा मक्की इन्हें सूरज कुर्सी पीछा मारे किसान टंकियां बचड़ा दिए उनके चढ़ाए तन्नू भी नहीं टंकिया बचड़ा बिना छोड़ दे हम करवा ना ठीक है नहीं तन्नू भी नहीं छोड़ता टंकिया बचड़ा है बिना किसान ना जाग गए किसान अपना हक लेकर रहेंगे अगर मेरा हक ना मिले तो आज तो बना है इन्हू न्यू तो कहो इन्हें डंडे मार दिए मारे बंदे का ये भी दिखाई आऊंगा लेगा किसान का टिका तभी क्या याद कराएगा भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ये पानी लगा हम भी पर सका कर मारे बाजीरी नहीं लगती पर हम तो तनु चीरी लेकर भी दिखाई है और तनु पट का भी दिखावांगे और अक्का फिर कणक पवांगे बेच का भी दिखावांगे और परमात्मा ने जब सुख रखी जब मेरे किसानों का साथ मिल गया हम 36 वाला रेट दवांगे 36 वाला रेट चिड़ियाघर पा जाएंगे उन पर भी तो सरकार है दिल्ली की भी सरकार है यहाँ जो हमारे किसानों का अंतर कर रही है प्राणी भी भूखड़ी है कमेटियां अपने लो अपने 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 गाँव में। और आज मैं मीडिया की तरफ से कहना चाहूंगा इन्हें मारे रास्ते रोके मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा हम फिर भी हाथ जोड़ देंगे जब बीजेपी का किसी भी एमएलए की कांड मत ताना तो ये सभी भाई अनुशासन में रहे देखियो अगर अनुशासन में रहेंगे
थोड़े लोग भी बहुत बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। आप लोग बहुत अनुशासन में हैं सुबह के जबकि यहाँ खड़े हैं, आपकी जीत होगी, आपको जीत प्राप्त होगी। आप लोग बहुत अनुशासन के अंदर हैं, अनुशासन में हैं। अभी बात चल रही है, डीएसपी साहब भी आए हैं, जैसी बात होगी आपको बता दी जाएगी। क्या कह रहे हैं जी? मंडी मंडी खोल दे, मंडी की टीम आती है, आप सभी मंडी में चलो। मंडी में रैली की अनुमति दे रहे हैं, और जो आपने कहा था हमारे अरेस्ट हुए हुए किसान हैं उनको उनको भी कह रहे छोड़ देंगे, छोड़ रहे हैं, वहीं आएंगे सर जी, वहीं आएंगे। अकीन से ये लाओ, सीमेंट कराओ जी, आप हमारी मिल में भी आ जाओ। शर्मा लगे हम भी, एक मिनट बात सुनो मेरे। एसडीएम साहब ने कहा है, सुन लो ना, एसडीएम साहब है गए, चलो मंडी चलो। मेरा अनुरोध है कि थोड़ा वहाँ पे हल्ला गुल्ला ना हो, सब शांति से बैठे, कोई शोर ना मचाए, और सब अपने मास्क पहन के सब ढक ले, एटलीस्ट इतना तो कर लो। वहाँ शांतिपूर्वक जो भी आपकी मांगे थी वो मैडम ने सुनी है, ठीक है। अब यहाँ से चलिए प्लीज, हाईवे ठीक है। हमने तीन मांगे रखी थी, एक के जो बंदे पकड़े उनको छोड़ दो, हाँ जी। दूसरी के जो बैरिकेड लगाए वो छोड़ दो, हटा दिए बंदे जी, मंडी का गेट खोल दो, हम वहीं चल मंडी में जाकर रैली कर। हाँ जी हाँ जी, चलिए मंजूर है। हाँ जी हाँ जी, चलिए हाँ जी हाँ जी, मंजूर है। तीनों कह रहे हैं कि मांगे मान ली हैं, अब विचार कर रहे हैं जी, अभी फैसला नहीं हुआ, विचार कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी बोल रहे हैं सरकार ने मान लिया तीनों मांगे। सुनो जी, आपका क्या विचार है? जिले बंद हो जाए, विचार यही है जी, आप लोग साथ दो। तीन मांगे रखी थी हमने सरकार के आगे, एक मांग रखी थी कि हमारे जो आदमी गिरफ्तार किए हैं उनको छोड़ दिया जाए, और हमने दूसरी मांग रखी थी। ये कौन से भाषण नहीं बनो पीछा, रुक जाओ एक मिनट। दूसरी मांग रखी थी कि जहां जहां भी बैरिकेड लगाए हैं वो सारे बैरिकेड हटा दिए जाए, और तीसरी मांग रखी थी कि हमने मंडी में रैली करनी है, जो है गेट बंद किया गेट खोल दिया जाए। हमारी ये तीनों मांगे मान ली गई है, अब हमने पहले नारे लगा रहे हैं, तीनों मांगे फिर मंडी में जाकर रैली करनी। गुरनाम सिंह है किसानों के, ठीक है, ये अनुशासन में रहना सबने। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपने कहा है जो मांगे हैं वो मान ली गई है। सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को जितेंगे 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 जितेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे है अब कहीं ना कहीं वो खुलने की उम्मीद बन गई है। जो किसान यूनियन है उनका कहना है कि हमारी बातों को मान लिया गया है। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दो। सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आप इस समय देख रहे हैं, किसानों की जो मांग है उसे मान लिया गया है। और अब ये सर आपकी जो तीन मांगे थी मान ली गई हैं, डीसी एसपी और एसडीएम मौके पर आए थे, उन्होंने कहा है कि रैली करने देंगे, बैरिकेड खोल देंगे, जो अरेस्ट किए गए हैं उनको भी जाने देंगे, क्या कुछ कह रहे हैं? और फाइनल हो लिया? हाँ जी, अभी अनाउंस किया उन्होंने, रैली होने देंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, हम करेंगे उधर रैली में, अपने बैठ के बातचीत करेंगे, आगे आगे जो फैसला होगा निर्णय होगा वो करेंगे वहाँ बैठ के। तो आपको लगता है कि जो इतनी देर ये तीन घंटे से नेशनल हाईवे जाम है, अगर सरकार पहले निर्णय ले लेती तो ये नौबत ना आती? ये तो आवे नहीं थी नौबत, ये तो इन्होंने जानबूझ करना, ये तो सरकार की गलती की वजह से आई है नौबत। यदि सरकार ये नहीं करती तो किसानों ने अपना शांतिप्रिय अपनी बात करके अब किसान निर्णय लेकर चले जाना, रास्ता खोलने के लिए तैयार है आप? तो रास्ता खोल देंगे, जो रैली करने देंगे। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्ण मराठा। कहाँ से है? मैं करनाल से। कृष्ण मराठा हैं करनाल से, और ये देखिए किसान अब चल पड़े हैं, और
जो रास्ते हैं उन्हें खोलने के लिए कह दिया है, यानी कि अब जो निर्णय है वो मान लिया गया है किसानों का, तीनों मांगे मान ली गई हैं और अब देखना होगा कि बैरिकेड कितनी देर में खोले जाते हैं, क्योंकि बैरिकेड भी लगाए गए हैं और ये किसान सभी खड़े यहाँ पर। और फिलहाल सर आपकी जो मांगे हैं मान ली गई हैं, रैली अब होगी आपकी? धन्यवाद। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। बैरिकेटिंग खोली जा रही है और रास्तों को अब खोला जाएगा, रास्ते खोले जाएंगे और अब पूरी तरह से जो नेशनल हाईवे है जो जाम था इतनी देर से वो फिलहाल खुल रहा है। एक्सक्यूज मी, कहाँ से हैं आप? और दिल्ली से हैं और ये आर्मी की गाड़ियाँ भी अब यहाँ से जा पाएंगी और फिलहाल जो किसान हैं उन्होंने रास्ता खोल दिया है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आप देख रहे हैं आई बी एन 24 पर, वो देखिए गाड़ियाँ किस तरह से लटक गई हैं डिवाइडर पर और जो जवान हैं अब उनके वाहन कम से कम यहाँ से निकल पाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।